हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग राधे राधे राम राम कैसे हो आप सब बढ़िया फर्स्ट क्लास एक बार जरा कमेंट करेंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ओलोके है जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा कंफर्म करके बचाएंगे बताएंगे आप लोग की ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ओलोके है चलिए भाई बताइए ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ओलोके है बच्चा ठीक है ओके okay, हाँ जी बिल्कुल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू ठीक है बहुत सारी जगह आज है बहुत सारी जगह कल है तो होपफुली कि आप सब लोग अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे बट हाँ क्लास तो आज आपकी होगी ओके okay? तो एक बार जोरदार तरीके से क्लास को पेड क्लास भी होंगी आज आपकी ठीक है तो आप लोग एक बार जोरदार तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे जो भी बच्चे इस समय पर लाइव हैं ओके okay. चलिए बच्चा तो आज आपका चैप्टर क्या है ब्रेन ठीक है कुछ बहुत ही बेसिक चीजें पहले हम ब्रेन के बारे में कवर करते हैं जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि ब्रेन कैसा ऑर्गन है तो आप लोग क्या बोलोगे मैम ब्रेन जो है आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है

तो हम कितने पार्ट में बच्चा डिवाइड कर सकते हैं तो जो ब्रेन है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और ये तीन हिस्से कौन-कौन से हैं एक है आपका फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क तीसरा है आपका हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क क्या बच्चा आपका पश्च मस्तिष्क नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां होती है हमारे दिमाग का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पार्ट कौन सा है और सा, साथ ही साथ सबसे ज्यादा चीज़ों को स्टोर करने में जो आप लोग बोलते हो ना मैम हमने याद किया हम भूल गए है ना तो आप कैसे भूल जाते हो आखिरकार दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें चीज़ें स्टोर होती हैं जो आपको चीजों को एग्जाम में क्वेश्चन को फॉर्मूलाज को आपकी इन सब चीज़ों को याद करने में मदद करता है तो ये दिमाग का हिस्सा कौन सा होता है बच्चा आपका सारी कौन सा होता है सैरिब्रम वो पार्ट होता है जो साथ ही कार्य तो हैं और चारों के अलग -अलग है। पहला है फ्रंटल लोब जो कि दिमाग का आईक्यू लेवल डिसाइड करता है जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत तेजी से स्पीड में आंसर करते हैं यानी उन लोगों का फ्रंटल लोब ज्यादा एक्टिव है पेराइटल लोब जैसे आप जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना कैलकुलेशन वाले प्लस माइनस वाले ये पैरिटल लोब सॉल्व करता है ओसिपिटल लोब का क्या कार्य होता है ओसिपिटल लोब बच्चा हमारे ब्रेन के अंदर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को कंट्रोल करता है आप कह सकते हो कि हमारे दिमाग के अंदर एक खुद के अंदर मैप बनाने वाला कौन सा हिस्सा होता है ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब का क्या कार्य होता है जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी है ना तो फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए ये जो तुम्हारे सपने होते हैं ये जितने भी सपने तुम लोग देखते हो ये कौन दिखाता है तुमको टेम्पोरल लोब ये कौन दिखाता है बच्चा तुमको टेम्पोरल लोब चलिए मस्तिष्क में दृश्य जानकारी की निर्णय और व्याख्या किसके साथ जुड़ा हुआ है मस्तिष्क में दृश्य जानकारी की निर्णय और व्याख्या इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है फ्रंटल लोब पैराइटल हमारे दिमाग में कौन कंट्रोल करता है इन शॉर्ट आपसे यही पूछा गया है भाई क्वेश्चन इजी है अभी बताया है बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्लास को एक बार लाइक कर देंगे चलिए बताइए हाँ बिल्कुल तो बच्चा क्या आपका ओसी पिटल लोभ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ओसी पिटल लोभ जो होता है ओसी पिटल लोभ बच्चा आपका वो लोभ होता है जो हमारे शरीर में विजुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो हमारे शरीर में विजुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा इनमें से, इन से कौन सा है ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा इनमें से कौन सा है बताइए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा इनमें से कौन सा है ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा इनमें से कौन सा है

दिमागी बुखार निम्नलिखित में से किसके कारण फैलता है बताइए दिमागी बुखार निम्नलिखित में से किसके कारण फैलता है तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे मच्छर होते हैं जैसे कि आपका डेंगू हो गया मलेरिया हो गया ये सब किसके काटने से फैलते हैं आपके मच्छर के काटने से तो मच्छर यदि आपको काट ले तो नॉर्मल फीवर भी बहुत बार हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है जैसे डेंगू मलेरिया ये सब आपके शरीर में नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं तो मच्छर के काटने से बहुत बार इंसान को क्या हो सकता है आपका दिमागी बुखार हो सकता है मस्तिष्क के दो गोलार्ध को कौन जोड़ता है हमारा जो दिमाग है ये आपका दो पार्ट में इस तरह से डिवाइडेड है ठीक है इस तरह से बच्चों आपका दिमाग दो हिस्सों में डिवाइडेड है तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है बताइए और एक और चीज आप लोग याद रखेंगे हमारे शरीर में जैसे ये आपका क्या है भाई जैसे मान लिया कि ये वाला आपके दिमाग का राइट हिस्सा है ये वाला लेफ्ट हिस्सा है ठीक है तो हमारे दिमाग का राइट right वाला हिस्सा आपकी लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट right को कंट्रोल करता है यानी कि आपकी क्रॉस वायरिंग होती है आपके दिमाग के अंदर क्रॉस वायरिंग होती है तो मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध को जोड़ने का कार्य कौन करता है कौन करता है, है बच्चा आपका कोपस कैलिसम मस्तिष्क के द्रव भरे गुहा को यानी कि जो फ्लूड हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं जो फ्लूड हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है इसको क्या कहा जाता है बताइए हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्लूड भरा जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सैरिब्रोस्पाइनल फ्लूड क्या बोलते हैं बच्चा आपका सैरिब्रोस्पाइनल फ्लूड कहा जाता है दिमाग के जो ऊपर यानी कि ब्रेन के ऊपर की जो आपकी कवरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है हमारे ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है उस कवरिंग में भी सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है उस कवरिंग में भी सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है बताइए जो आपका ब्रेन है ब्रेन में जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो देखो सबसे ऊपर वाली जो आपकी लेयर है इसको हम बोलते हैं क्या मैनजिस अब मैनजिस भी आपके क्या है तीन लेयर से मिलकर बनी है जिसको आप लोग डैप से याद करोगे किससे डैप से याद हो करोगे सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम है ड्यूरा क्या है बच्चा आपका ड्यूरा मीटर देन उसके बाद है आर्केनोड उसके बाद क्या है बच्चा आपकी आर्केनोड है फिर उसके बाद में है पियामीटर फिर उसके बाद में क्या है बच्चा आपकी पियामीटर है तो ड्यूरा जो है आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर है मैनज में भी सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या है ड्यूरा मीटर है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं बताइए रीढ़ की हड्डी नहीं कहेंगे इसको हम लोग मेरू हिंदी में गलत ट्रांसलेट है मेरू रज्जू बोलिए मेरू रज्जू यानी आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर देखो रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कोड अलग चीजें हैं बहुत सारे बच्चे इस चीज में पजल होते हैं बहुत बहुत बार आपको गूगल ट्रांसलेशन इस तरह का मिल सकता है लेकिन हाँ हमारे ब्रेन से एक बहुत मोटी से यहाँ से पीछे की तरफ से एक बहुत मोटी सी नस निकलती है जिसको हम लोग स्पाइनल कोड बोलते हैं मेरु रज्जु बोलते हैं इस स्पाइनल कोड को मेरु रज्जु को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं आपकी वर्टिब्री यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि क्या बच्चा आपकी रीढ़ की हड्डी तो हमारे शरीर में जो सी है ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर स्पाइनल कोड ये दोनों मिलकर बनाती हैं आपका सी एन एस अब मैम ये सी एन एस क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या बच्चा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि ब्रेन हमारे शरीर में किस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन हमारे शरीर में किस सिस्टम का पार्ट है तो आप लोग बोलोगे मैम ब्रेन हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम का पार्ट है और नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे शरीर में तीन तरह का पाया जाता है एक होता है सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ए एन एस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड पी एन एस नर्वस सिस्टम एंड पी एन एस नर्वस सिस्टम तो ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर सी एन एस का निर्माण करती है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जू पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाले रोग को क्या कहते हैं यानी जो मैनेजिस ब्रेन के ऊपर पाई जाती है यदि उसमें किसी भी वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सूजन आनी शुरू हो जाए वो स्वेलिंग होना उस पर शुरू हो जाए तो इनमें से हम किस बीमारी का नाम उसे देते हैं बताइए तो आप इनमें से किस बीमारी का नाम उन्हें देंगे बहुत सारे बच्चों में ये बीमारी देखी जाती है वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से जो मैनजिस लेयर होती है उस पर सूजन आनी शुरू हो जाती है और इसको हम रोग को क्या बोलते हैं मैनजाइटिस क्या कहा जाता है मैनेंजाइटिस ऑलमोस्ट ये आपका इनक्योरेबल है मतलब इसका उपचार बहुत ही मुश्किल है निम्नलिखित तत्वों में से तंत्रिका फाइबर में आवेग अब आवेग पर यहाँ आवेग से यहाँ पर आपका मतलब है कि हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स या इन शॉर्ट आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो बिजली बनाने का कार्य कौन करता है हमारे ब्रेन के अंदर बिजली बनाने का कार्य इनमें से कौन करता है बताइए राजेश कह रहे हैं मैम सुनिए ना जी सुनिए ना भाई ऐसा तुम क्या सुनाना चाह रहे हो जो चार बार तुमने सुनिए ना सुनिए ना लिखा है बताओ क्या समस्या है क्या तकलीफ है चलिए भाई बताइए क्या दिक्कत आ गई भाई हम्म ठीक है बच्चा तो देखो हमारे ब्रेन में और आ, हार्ट में दोनों में से यदि किसी में भी, भी आपका पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने का कार्य

मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो ऑन मैं आपसे बात करूं मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1200 से लेकर 1400 ग्राम कितना बचा? 1200 से लेकर 1400 ग्राम मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है बताइए थिंकिंग रेगुलेटिंग द हार्ट बीट बैलेंसिंग द बॉडी एंड ऑल ऑफ द अबव बताइए ब्रेन इनमें से किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ब्रेन बच्चा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है सोचने के लिए यस हार्ट बीट रेगुलेट करने के लिए यस हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता है यस तो यानी कि अब सीधा खड़ा रखने में बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैम हार्ट बीट तो अभी आपने बता दिया ठीक है साथ ही साथ आप हमें भी बताया कि भैया सोचने का कार्य किसका है ऑब्वियसली ब्रेन का ही है लेकिन ये सीधा खड़े रखने वाला हमें समझ नहीं आया तो हमें सीधा खड़ा रखने में भी हमारा ब्रेन ही मदद करता है हमारे ब्रेन में, हिंड ब्रेन में में हिंड एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम है सारिब्लम, जिसको हम लोग भी बोलते हैं यही हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता है अब कैसे शराब पीने के बाद जो आप लोग नागिन चाल वो चलते हो है ना कभी आपने सोचा कि शराब पीने के बाद आप लड़खड़ाना क्यों शुरू कर देते हो तुतलाकर बोलना क्यों शुरू कर देते हो उसका एक रीजन यही है क्योंकि ब्रेन

थैंक यू संगीता थैंक यू चलिए सारी ब्रम इनमें से किससे संबंधित है तो सारी आपका. अभी तो मैंने आपको बताया, ब्रेन से ठीक है देखो एक बार मैं आपको सारा नोट डाउन करा देती हूँ तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक होता है फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क मिड ब्रेन मध्यम मस्तिष्क और हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क फोर ब्रेन के तीन पार्ट है थैलमस थैलमस हाइपोथैलमस हाइपोथैलेमस और क्या बच्चे आपका सेरिब्रम यानी कि प्रामस्तिष्क मिड ब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं होता कॉलकलीज़ पाई जाती हैं सिर्फ आपकी हिंड ब्रेन के भी फर्दर तीन पार्ट है एक होता है पोन्स वेरियोलाय दूसरा होता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा और तीसरा होता है आपका क्या सेरिब्रम ठीक है यहां पर जो है ये सेरिब्रम है प्रामस्तिष्क है और ये सेरिब्रम है ओके ये आपका अनुमस्तिष्क है ये आपका अनु मस्तिष्क है तो सारी भ्रम किससे संबंधित है ब्रेन से संबंधित है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा निगलने और उल्टी करने के लिए संबंधित है दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो हमें ये बताता है कि अब हमें खाना खाना है या अब हमें वोमिट आई है छींकने के लिए पलक झपकने के लिए डकार के लिए है ना हिचकी का आना ये सब हमारे शरीर में हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है और ब्रेन के अंदर कौन सा हिस्सा कंट्रोल करना करता है ये आपको बताना है ब्रेन के अंदर कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है ये आपको बताना है तो ब्रेन के अंदर हिंड ब्रेन में जो मेड्यूला ओब्लोंगाटा है ये हमारे शरीर में होने वाले वॉलेंट्री और इन फंक्शंस दोनों को कंट्रोल करता है तो हिचकी का आना पलकों का झपकना डकार का आना जंभाई का आना उल्टी का आना खाना निगलना इन सब के लिए जिम्मेदार दिमाग का कौन सा हिस्सा होता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा कौन सा होता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा समपिटल लोब या ओसीपिटल लोब निम्नलिखित में से प्राथमिक संवेदी क्षेत्र शामिल है या हमारे शरीर में ओसीपिटल लोब का इनमें से क्या कार्य है किसको कंट्रोल कर सकता है ओसीपिटल लोब हमारे शरीर में इनमें से किसको कंट्रोल कर सकता है बताइए ओसीपिटल लोब हमारे शरीर में इनमें से किसको कंट्रोल करेगा देखने को क्यों क्योंकि भाई एक बात बताओ हमारे शरीर में जो विजुअल एक्टिविटीज है इनको कंट्रोल करने वाला कौन है आपका ओसीपिटल लोब ही है मानव मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन को ब्लैंक से संबंधित करती है बताइए मेलाटोनिन का संबंध इनमें से किस चीज से हो सकता है मेलाटोनिन का संबंध इनमें से किस चीज से हो सकता है तो ब्रेन में तीन ग्लैंड पाई जाती हैं, जो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था ब्रेन में तीन ग्लैंड होती हैं आपकी पीनियल पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस यहाँ पर पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है मेलाटोनिन मेलाटोनिन को हम लोग नाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं रात को सुलाने का और सुबह उठाने का कार्य इसी हार्मोन का है इसको हम लोग अलार्म क्लॉक के नाम से भी जानते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं है ना अब इस मेलाटोनिन की मदद से हमारे शरीर में एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम है मेलानिन और यही मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर में हमारे स्किन कलर के लिए यानी अगर आपके शरीर में मेलानिन ज्यादा बनेगा तो आपका रंग काला हो जाएगा और यदि कम बनेगा तो आपका रंग गोरा रहेगा धूप में आपने अक्सर सुना होगा लोगों को टैनिंग एक शब्द आप लोग सुनते होंगे ना कि मेरी स्किन टैन हो गई है मुझे धूप में जाने से टैनिंग हो गई है तो टैनिंग क्या होता है जब आप धूप में जाते हो तो मेलानिन ज्यादा बनता है जिस वजह से स्किन की ऊपर वाली लेयर पर ब्लैकिश यानी कि ब्लैकनेस आ जाती है ओके जी तो स्किन कलर को कंट्रोल करता है किसको स्किन कलर को कंट्रोल करता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका मेंटेन बॉडी पोस्चर आपका सोचने की पावर और विजन एंड हियरिंग और कंट्रोल द पिट्यूटरी इनमें से किस किस के कार्य है इनमें से ये सारे किस किस के कार्य हो सकते हैं आपको मैच करना है ठीक है देखिए सिंपल सी बात है

ठीक है तो सुनने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है अब क्या मिड ब्रेन क्या बचा है बचा मिड ब्रेन यानी कि आपका कंट्रोल विजन एंड हियरिंग इनमें से कौन कंट्रोल करेगा आपका मिड ब्रेन करेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला क्या रहेगा मस्तिष्क के किस भाग का कार्य सोचना और समझना है मस्तिष्क का कौन सा भाग है इनमें से जो सोचने और समझने का कार्य करता है बताइए मस्तिष्क के किस भाग का कार्य सोचना और समझना है तो किसका है आपका सबसे इंटेलिजेंट पार्ट कौन सा होता है सोचने समझने का कार्य किसका है ओब्वियसली आपके फोर ब्रेन का है ठीक है फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट भी होता है एक सेकंड का टाइम देना यहाँ पर ये यह कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे चलिए यहां से अब आपके नए क्वेश्चन आएंगे निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है इनमें से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है बताइए निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है तो किसका होता है बच्चा आपका डॉल्फिन का ठीक है किसका होता है आपका डॉल्फिन का नेक्स्ट देखते हैं पीनियल ग्रंथी कहाँ स्थित है पीनियल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है ग्लैंड पर पाई जाती है तो लोकेशन पूछी है exact, तो बिटवीन द राइट एंड द लेफ्टेमिस्फेयर आपकी पीनियल ग्लैंड पाई जाती है निम्नलिखित में से किसे मनुष्य में मास्टर ग्रंथी के रूप में जाना जाता है इनमें से हम किसको मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं इनमें से हम किसको मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं तो किसको बच्चा हम लोग मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं पिट्यूटरी को किसको बच्चा पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोन का भाग नहीं है देखो अगर आपसे पूछी जाए वॉट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या वट इज द यूनिट ऑफ ब्रेन तो आपका सिंपल सा एक ही आंसर होगा वॉट न्यूरोन अब न्यूरॉन भी आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं है ना न्यूरोन की यदि आप संरचना देखोगे तो न्यूरोन आपको कुछ कुछ ऐसा सा नजर आता है सेल बॉडी होती है होते हैं इस तरह से शाखाएं इसमें से निकली होती है तो इन शाखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं ठीक है अलग अलग यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं बेलनाकार इनको एक्सोन कहा जाता है बीच में आपकी सेल बॉडी होती है लेकिन बोमैन कैप्सूल का न्यूरॉन से कोई लेना देना नहीं है तो आपका सही आंसर क्या होगा बोमैन कैप्सूल का न्यूरोन से कोई लेना देना नहीं है दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह को क्या कहा जाता है दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह को क्या कहा जाता है बताइए दो के बीच की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं साइनेप्स साइनेप्टिक नर्व आपकी वो लास्ट पॉइंट होता है या टर्मिनल जो अगले न्यूरोन से जोड़ने का कार्य करता है जैसे कि मान लिया आपका ये एक न्यूरॉन है ठीक है ये एक न्यूरॉन है और ये आपका फिर इधर दूसरा न्यूरॉन है तो इन सब को जोड़ने का कार्य क्या करती है साइनेप्टिक नाव करती है यानी वो पॉइंट होता है जो दो न्यूरोंस को जोड़ने का कार्य करता है कौन सी कोशिकाएं माइलिन सीथ बनाने में सहायक है एक्सोन के ऊपर एक सीथ पाई जाती है जिसको हम लोग माइलिन सीथ बोलते हैं और ये माइलिन सीथ कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो स्वान सेल से किससे माइलिन सीथ जो है जो आपके एक जोन में न्यूरॉन्स में पाई जाती है ये किस सेल से मिलकर बना होता है स्वान सेल से मनुष्य में घ्राण संबंधी यानी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बीइंग डिटेक्ट ओल फैक्ट्री जो आपके रीजंस होते हैं हमारे शरीर के अंदर वो किस चीज का पता लगाते हैं तो पाए जाते हैं नाक में पाए जाते हैं और नाक का कार्य क्या है यानी कि किसी चीज को सूंघने का कार्य है इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है इनमें से कौन सा आपका एक सेंसरी ऑर्गन नहीं है बताइए इनमें से कौन सा आपका एक सेंसरी ऑर्गन नहीं है देखो आई स्किन, ये सब तो आपके सेंसरी ऑर्गन हैं, लेकिन इन सब तक सिग्नल पहुंचाने का कार्य इन सब को कंट्रोल कौन करता है ब्रेन ही तो बताता है कि ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन हैं, लेकिन ब्रेन खुद अपने आप में एक सेंसरी ऑर्गन नहीं है थैलमस और हाइपोथैलमस मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होते हैं थैलमस और हाइपोथैलमस मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होते हैं बताइए तो थैलमस और हाइपोथैलमस किस में पाए जाते हैं सैरिब्रम थैलमस हाइपोथैलमस तीनों मैंने आपको बताया था किस में पाए जाते हैं फोर ब्रेन में पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किसने प्रतिवर्ती क्रिया की खोज की थी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताने वाले अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है जैसे मान लिया आपने किसी भी चीज को छुआ यदि वो कांटेदार है गर्म है ठंडी है है ना मतलब हमारे शरीर के लिए सुटेबल नहीं है तो इन सब चीजों की एक प्रतिक्रिया हमारे शरीर में होती है आपने किसी कांटेदार पेड़ को छू दिया आप एकदम से पीछे अपना हाथ कर लेते हो गर्म पानी आपके शरीर पर डल गया या आपने गर्म चीज को किसी को छू दिया तो आप अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हो यही क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन कि भैया हमारा दिमाग हमें ये गाइड कर रहा है कि इसे आप ना करें इसे आप ना छुए और इनके बारे में बताने वाले थे आपके मार्शल होल किसने बताया था मार्शल होल ने बताया था निम्नलिखित जीवों में से किसमें श्वसन अंग है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता इनमें से किसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है लेकिन ब्रेन नहीं है इनमें से किसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता तो किसके अंदर स्टार फिस के अंदर किसके अंदर स्टार फिस के अंदर आपका ब्रेन नहीं पाया जाता वट इज एम आर आई एम आर आई की सिंपल आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है सिंपल की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है तो एम आर आई की फुल फॉर्म क्या होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सुई चुभोने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा सुई चुभोने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा देखो ब्रेन को लेकर यह माना जाता है कि ब्रेन हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है लेकिन अगर ब्रेन के खुद के अंदर आप यदि ब्रेन के अंदर सुई चुभोएं या उसके खुद के अंदर आप उसे चाकू से काटना शुरू कर दे तो सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन पूरी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन तो ब्रेन से ही जुड़े हैं लेकिन यदि ब्रेन में ही खुद कुछ करना शुरू हो जाए तो उसको वहां पर दर्द फील नहीं होता है ठीक है जो एग्जैक्ट आपकी ब्रेन की पोजीशन होती है तो यहाँ पर सुई चुभोने पर बच्चा इसमें आपको कोई दर्द का महसूस जैसे हाथ में सुई चुभ तो आपको दर्द फील होता है और वो दर्द का सिग्नल बताने वाला कौन है आपका ब्रेन है लेकिन खुद यदि ब्रेन में सुई चुभोगे तो वहां पर आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन सेंटर्स ऑफ हियरिंग स्मेल मेमरी साइट आर लोकेटेड फोर ब्रेन और तीसरा ऑप्शन है कि इन इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक सलाइवेशन वॉमिटिंग ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाई द मेड्यूला इन द हिंड ब्रेन डज नॉट कंट्रोल पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इन सब में से आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है चारों में से आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है बताइए चारों में से बच्चा कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है चलिए बताइए थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन आप लोग आराम से रीड कीजिए फिर उसके बाद में आंसर कीजिए ओके okay. चलिए बच्चा इस क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क रख लेते हैं आप लोग होमवर्क में इसको बताएंगे मुझे अब देखो रक्षाबंधन का भाई आपका त्योहार है तो आ रक्षाबंधन के इस अवसर पर आप सबके लिए आपको पता है इस क्लास की पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरती चौधरी के नाम से लिंक लगा होगा वहां से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे साइंस आरती मैम के नाम से कम्युनिटी मिलेगी फॉलो करेंगे वहां पर आप मुझे तो ये क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी अब बात करते हैं वो बच्चे जो रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखो आपको क्या करना है सेपरेट बैच है अलग अलग सबके ग्रुप बी के एन टीपीसी इन सबके सेपरेट बैच हैं बट लेकिन रेलवे का महापैक आपको पता है भैया त्योहार है तो रेलवे के महापैक पर स्पेशल ऑफर आपका ओन हो चुका है ठीक है ये रेलवे का महापैक डेली आपको हजार रुपए में एक साल के लिए मिलता है लेकिन आज रात 12 बजे से पहले यदि आप परचेज करते हो वाई चार कूपन कोड का इस्तेमाल करके तो आप लोगों को मात्र साढ़े नौ रुपए में वो भी दो साल के लिए ए एल पी टेक्नीशियन आर ग्रुप डी एन टी पी सी तैयारी कराई जाएगी तो मुझे नहीं लगता भाई इससे सस्ता आपका कुछ हो सकता है सिंपल सी बात है इससे सस्ता और क्या ही होगा ओके okay जी तो आप लोग कूपन कोड जरूर याद रखेंगे बच्चा वाई चार सौ छियालीस आपका कूपन कोड है आप लोग देख सकते हो आप लोगों को साढ़े नौ सौ रुपए में पूरे दो साल के लिए एएलपी टेक्निशियन ग्रुप डी एन सबकी टेस्ट सीरीज अगर मैं आपसे वैकेंसी की बात करूं तो भैया वैकेंसी आपकी आ जाएगी दिसंबर जनवरी फरवरी फरवरी तो लास्ट है दिसंबर में पूरे पूरे आने के चांसेस है लेकिन एक साथ तो आप लोग ऐसा होगा नहीं कि आपके अंदर अचानक से आइंस्टाइन का दिमाग आ जाएगा और आप एकदम से एग्जाम को क्लियर कर दोगे ऐसा नहीं होगा ना आपको चीजों को पहले से पढ़ना पड़ेगा तैयारी करनी पड़ेगी तो यहाँ पर बच्चा आप लोग जितना हो सकता है जब भी डबल वैलिडिटी आपकी है, स्पेशल ऑफर चला करें आप उसको ग्रैब किया करें इवन दूसरे अपने फ्रेंड्स को बताया करें कि भाई ऑफर आ चुका है सिंपल सी बात है अगर मान लिया मुझे कुछ ऑनलाइन खरीदना है मुझे कपड़े खरीदने ज्वेलरी खरीदने तो मैं देखूंगी ना भाई ऑफर कब चल रहा है मैं उसे परचेज कर लूंगी है ना तो सेम चीज आपके लिए है कि भैया जब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सस्ते हो चुके हैं एजुकेशन को लेकर तो आपको हेजिटेशन इस चीज में क्या करनी है ठीक है बच्चा तो दो साल के लिए है ये वैलिड ओके okay जी तो चलिए बच्चा उम्मीद करती हूँ सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करेंगे और हैप्पी रक्षाबंधन अगेन ऑफ यू आराम से अपने घर पे सेलिब्रेशन करो त्योहार का खाओ पियो मजे करो और पढ़ाई करते रहो बाय बाय टेक केयर